हेलो आई होप यू गैज आर डूइंग वेल तो शाहरुख खान ने इकतीस साल कंप्लीट कर लिए हैं फिल्म इंडस्ट्री में आई थिंक uh, ये तो मेरे ख्याल से रोज़ का एक uh, दस्तूर सा बन गया है कि शाहरुख खान ट्रेंड करते हैं uh, ट्विटर पे और uh, ज़ाहिर सी बात है थर्टी वन ईयर्स जब उनके कंप्लीट हुए तो उस पर भी वो ट्रेंड कर रहे थे इंटरेस्टिंगली uh, मन्नत के uh, टॉप पर वो पहुँचे और वहाँ से उन्होंने वेव किया अपने फ़ैन्स को और ज़ाहिर सी बात है वो मंजर आई थिंक मेरे ख्याल से देखने के लायक था और uh, ये स्टार्टम आई uh, थिंक बहुत ही रेयर है जैसे कि मैंने अभी आ, आकाश बनर्जी के साथ में आ, एक इंटरव्यू किया था यूट्यूबर हैं बहुत पॉपुलर और उन्होंने एक बड़ी बहुत ही एक कोटेबल कोट उन्होंने दिया कि दैट शाहरुख खान मे बी इज़ द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स और उनके बाद शायद कोई सुपरस्टार स्टार शायद बन भी ना पाए तो ये जो मंज़र हम देख रहे हैं मन्नत के ऊपर जिस तरीके से वो आते हैं द वे द फैंस रिएक्ट एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड द वे द फैंस रिएक्ट इज़ इज़ ट्रूली टूली आई थिंक एक डॉक्यूमेंट करने के लायक है ये एक uh, Uh, सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी जिसकी पर्सनली हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक एक इंटरव्यू का क्लिप मैंने uh, इन्हीं किसी एक ट्रेंड के ऊपर मैंने देखा किसी हैश टैग मैंने देखा और uh, तो उनसे पूछा गया कि शाहरुख आप कैसे देखते हैं कि जो कॉम्पिटिशन है आपके आस नए नए एक्टर्स आ रहे हैं नए स्टार्स आ रहे हैं हाउ ड्यू लुक एट कॉम्पिटिशन सो बहुत ही हाजिर जवाब में बहुत ही प्रॉम्प्टली एकदम बिल्कुल uh, उनका उनका एकदम रिस्पांस था कि दैट आई एम नॉट हेयर टू कम्पीट आई एम हेयर टू रूल तो अब उसमें बात ख़त्म हो जाती है <laughs> के उसमें कॉम्पिटिशन में उनका कोई बिलीव ही नहीं करते हैं वो एंड ही ही इज समन फिक्सेटेड ऑन हिमसेल्फ ऑन एक्सेलिंग इन इन अ सर्टन मैनर दैट और मेरे ख्याल से अगर आई थिंक वो एक सर्टन कॉम्पिटिशन जो एक भीड़ होती है अगर उसमें बिलीव किया होता तो एक सर्टन लेवल तक ही आप पहुँच सकते हैं uh, लेकिन जिस तरीके की पॉपुलरिटी शाहरुख खान की अगर है तो वो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपने लिए एक इमेजिन की एक सर्टन दुनिया एक सर्टन स्टार्डम जो कि आज तक किसी ने देखा नहीं था और पता नहीं कोई देख पाएगा भी नहीं देख पाएगा एटलीस्ट हिंदुस्तान से सो so, वो उनकी चीज़ बहुत सामने आई अब क्या होता है कि ये सारे स्टेटमेंट्स जो उनके हैं ये इंटरव्यूज़ ये इसलिए भी ज़्यादा पर्टिनंट हो जाते हैं बिकॉज वो एक ऐसे दौर में हैं जब उनकी फिल्में जो हैं वो पठान जो है वो बहुत ज़्यादा गैर गैरमूली कामयाब हो चुकी है जवान की ज़बरदस्त बज़ है डंकी की ज़बरदस्त बज है इनफैक्ट मैं एक मुझे टैग किया एक किसी किसी ने और मैंने भी कुछ दिनों पहले एक ट्रेड एनालिस्ट हैं आविष्कार उनका मैंने इंटरव्यू किया था तो उन्होंने उसमें कहा था कि दैट डंकी जो है वो आ, पठान से भी ज़्यादा ओवरसीज़ में उसका कलेक्शन रहेगा तो उस पर जो है डिस्कशन हो रहा था सो so, वो एक बहुत ही दिलचस्प सी चीज़ है वो बहुत ही बहुत ही एक्साइटिंग फेज़ में शाहरुख खान है बहुत ही कमाल के फेज़ में इस वक्त uh, तो जब वो स्टार्टअप के बारे में बात करते हैं जब वो ये कहते हैं कि दैट आई एम हैव टू रूल सो एवरी वन अप एंड टेक्स टेक्स नोटिस बिकॉज ही इज़ ही इज़ एक्चुअली लीडिंग बाई एग्जाम्पल तो ये एक आई थिंक बहुत ही आई थिंक सीखने वाली बात है अच्छा अपार्ट फ्राम दैट उन्होंने फिर आस केस आर के उन्होंने सेशन किया ट्विटर पे रिसेंटली फिर से इकतीस साल के कंप्लीट होने पे ये भी एक बड़ी उन्होंने दिलचस्प था कि उन्होंने एक स्टार्ट किया है कि दैट मीडिया uh, से इंटरेक्ट वो नहीं करेंगे वो अपने फैंस को डायरेक्टली एड्रेस करेंगे और ये आई थिंक ये ये भी एक केस स्टडी बन चुकी है और ही ही इज़ गिविंग दैट रिस्पेक्ट एंड लव टू टू हिज फैंस एंड दे आर रेसिप्रोकेटिंग इन बिग नंबर्स और आज के सार के जाहिर सी बातें बहुत ही दिलचस्प रहा जवान से के बारे में पूछा गया जवान के प्रोमोस रिलेटेड प्रोमोशन से रिलेटेड पूछा गया उन्होंने उसके बारे में बात करी और बहुत से और भी उन्होंने आई थिंक इंटरेस्टिंग से जवाब दिए जो कि वन एक्सपेक्ट्स फ्राम शाहरुख खान विटी हैं ह्यूमरस हैं और टचिंग हैं हर तरीक़े के उनसे सवाल पूछे गए हर तरीके के उन्होंने जवाब दिए अब उसके बाद फिर एक लेटेस्ट खबर ये है पिंक विला एक पोर्टल है और उनके एक जर्नलिस्ट हैं हिमेश मनकट तो मैं इनको हिमेश को मैं बहुत सालों से मैं जानता हूँ रिलायबल आदमी है तो उनके उनकी एक एक्सक्लूसिव ख़बर यह है कि दैट सुहाना खान की आ, जो थिएट्रिकल जो फिल्म होगी अभी आर्ची जो आ रही है वो वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हो रही है जो उनकी पहली थिएट्रिकल जो फिल्म होगी उसमें शाहरुख खान का कैमियो होगा समथिंग ऑन द ऑफ डियर ज़िंदगी में जिस तरीके से कैमियो था शाहरुख खान का आलिया भट्ट से क्या सो इट विल बी लाइक अ कैमियो दैट दैट शाहरुख खान विल भी हैविंग रेड चिलीज़ अपरेंटली इज़ प्रोड्यूसिंग इट अलॉन्ग विद सिद्धार्थ आनंद जो कि पठान के डायरेक्टर थे um, तो अभी हिमेश अगर कह रहे हैं तो मैं उनको uh, बहुत सालों से जानता हूँ और ये खा खासे फेमस हैं एक्सक्लूसिव खबरों को ब्रेक करने में तो ये मुझे लगता है कि रिलाईबल खबर ये होनी चाहिए दिस विल भी इंटरेस्टिंग दैट दैट शाहरुख खान बिल बी सीन अलॉन्ग विद दिस डॉटर दैट इज पोस्ट टंकी इज़ द फिल्म दैट दैट ही शूटिंग फॉर दैट इज़ वॉट इज़ बींग सेड है ना अभी जैसे हमने देखा है कि आर्यन uh, की जो सीरीज़ है स्टारडम उसमें किस तरीके से शाहरुख विल बी सीन इन अ कैमियो दैट वो भी वो भी अटकलें हैं उसके अलावा रेट इज़ प्रोड्यूसिंग एट उससे पहले आर्यन ने जो जो एड जो शूट किया था उसमें दोनों नज़र आए थे और uh, बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था तो अब मैं एक डिस्कशन देख रहा था जनरली सोशल मीडिया पर कि भाई इस तरीके से यू you नो know, कि दैट अपने बेटी को सामने लेकर आ रहे हैं मुझे एक्चुअली थोड़ा सा हैरत होती है आई फाइन अब इट सरप्राइजिंग भाई आई थिंक किसी भी प्रोफेशन में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को वो प्रमोट करते हैं उनको आगे लेके आते हैं तो उसमें इतनी बड़ी बात तो मेरे ख़्याल से कुछ 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 होनी नहीं चाहिए देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि अगर सुहाना में दम होगा इफ़ शी हैज़ दैट दैट कैलिबर दैट 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 फिनेस दैट स्टार क्वालिटी सो उसमें फिर उनको कोई रोक नहीं सकता और अगर उनके पास में वो एक एक्सफैक्टर uh, नहीं होगा एक एक सर्टन डिफरेंट uh, uh, एक अपील uh, अगर उसमें उनमें नहीं होगी तो वो वो जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो उसमें आई डोंट आई डोंट सी एनी सॉर्ट ऑफ आई थिंक सच हार्श सॉर्ट ऑफ आई थिंक क्रिटिसिज्म आई थिंक कोई भी जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए चाहेंगे स्पेशली आई थिंक जिस तरीके का का आई थिंक दौर देखा शाहरुख खान ने स्पेशली आर्यन से रिलेटेड um, जो जिसमें वो जो जेल में रहे और जो भी मतलब अनफॉर्चुनेट चीज़ें हुई तो उसमें अपने बच्चों की तरफ ओवर प्र, प्र, प्रोटेक्टिव होना प्रोटेक्टिव होना think, ये आई थिंक ये जायज़ है और पहले भी हमने देखा है कि वो वन के स्टेडियम में जो एक जो जिस तरीके से एक इंसिडेंट रहा है और सुहाना को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस तरीके से शाहरुख खान ने रिएक्ट किया था तो वो ही ही इज़ अ प्रोटेक्टिव फादर हमें ये भी समझना इम्पोर्टेंट है उनके पेरेंट्स का uh, बहुत ही कम उम्र में uh, इंतकाल हो गया है और सो ही इज़ मोरलेस लिव द लाइफ ऑन एज ओन लाइक एन एंड दैट टू विदाउट द सपोर्ट मे बी द प्रेजेंस ऑफ इज पेरेंट्स सो उसमें uh, एक डोटिंग uh, पेरेंट होना और एक वेरी सपोर्टिव पेरेंट होना ये मेरे ख्याल से एक ये ये गिवन है एंड आई थिंक थोड़ा सा आई थिंक मुझे लगता है कि सही मुद्दों पर अगर डिस्कशन हों सही मुद्दों पर अगर बातचीत हो तो अच्छी बात है आई थिंक गिव द यंगस्टर अ चांस और uh, अगर वो वो बात नहीं है तो वो अपने आप से वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी लेकिन अगर वो बात है और अगर पेरेंट अगर उसमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो आई थिंक ये एक रिस्पेक्ट करना चाहिए और आई एम श्योर कि दैट जितना uh, जितना टफ शाहरुख खान अपने ऊपर हैं तो वो उतना ही आई थिंक एक्सपेक्टेशन उनके अपने बच्चों से भी होगी और उसी तरीके से वो तैयार भी उनको कर रहे होंगे सो आई थिंक वी शुड जस्ट वेट हैव सम पेशेंस एंड लेट्स सी हाउट हाउ दाउ द इंटायर थिंग गोज एंड आई एम श्योर कि कोई भी डिसीजन मुझे तो डियर जिंदगी बहुत अच्छी लगी थी और उसमें शाहरुख खान का जो परफॉर्मेंस था मुझे बहुत पसंद आया था सो so, um, कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता है कि दैट uh, अगर आप एक सर्टन आई थिंक सुपर जोन में हैं तो आपको एक सर्टन कैमियो नहीं करना चाहिए मुझे मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फ़र्क पड़ता है um, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ट्रांजेक्शनल uh, अपने परफॉर्मेंसेस से रिलेटेड अपने स्टारडम से रिलेटेड नहीं होना चाहिए आई थिंक इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ दैट एक्टर्स शुड इंजॉय दैम सेल्वस जब एक्टर्स इंजॉय करना बंद कर देते हैं जब एक्टर्स ज़रूरत से ज़्यादा अपने को सीरियसली लेने कर, लेने लगते हैं दैट इज़ वन थिंग्स डोंट वर्क फॉर देम So, he's, he's enjoying himself. He's clearly having a great time. He's clearly uh, looking very good. He's look, clearly enjoying the entire process of selecting films and, and working in them and encouraging new talent. So, um, I think we should just wait and watch for that. So, you your views. discussed And 31 years of SRK, I'm not here to compete, I'm here to rule. Uh, Shah Rukh Khan working with his daughter. So. तीन मुद्दे हैं सो डू शेयर योर कॉमेंट्स एंड विल वेट फॉर थॉट्स एंड ओपिनियंस ईगली दिस फरी कनेक्टेड फ्रम कैनाडा स्टे कनेक्टेड